जौनपुर में अब्दुल हमीद कौमी एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो वहीं काशीपुर में एक मुस्लिम परिवार लगातार चार पीढ़ी से रावण के पुतले बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं। काशीपुर के मोहल्ला घास मंडी में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते ये हैं मेरठ के मोहम्मद महबूब, जिनका परिवार अब चौथी पीढ़ी के रूप में दशकों से रावण के पुतले बनाने के पेशे में लगा हुआ है। रावण और कुंभकर्ण के पुतले बनाने में महबूब और उनकी टीम को करीब 1.5 महीने का समय लगता है, इसलिए मेरठ के रहने वाले महबूब 1.5 महीना पहले ही काशीपुर आकर पुतले बनाने के काम में जुट जाते हैं। यहाँ से पहले पापा आए थे हमारे, फिर भैया आया था, फिर हम आ रहे हैं उनका निभाने इसके, हमारा चौथी पीढ़ी है ये। काशीपुर की रामलीला के लिए इस बार 55 फीट का रावण और 50 फीट के कुंभकर्ण का पुतला तैयार किया गया है। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के मुताबिक महबूब का परिवार राम भवन में रहकर अपनी कलाकारी को अंजाम देता है और यहीं रहकर अपने त्योहार भी मनाता है। जी। ये तो करीब 80 साल से आ रहा, 80 साल से रावण बनाने वाला आ रहा है। पहले इसके बाबा बनाते थे, फिर इसके पिताजी ने बनाया, फिर इसके भाई ने बनाया, अब ये आ रहा है 10 साल से रावण बनाने। मेरठ का रहने वाला है। हाँ, ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनता जा रहा है। मोहम्मदन होने के बावजूद भी मतलब हिंदुओं की रामलीला में आता है, और बताया मैंने आपको अभी कि इसके बाबा के टाइम से बनता चला आ रहा है रावण, 80 साल के करीब इसको हो गए बनाते हुए। अपना इन्होंने जो अभी इनका त्यौहार बीता है, उस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए भी इन्होंने दशहरे पर भगवान राम की रामलीला के लिए कुंभकर्ण और रावण के पुतले बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। जो भी मुहर्रम बीते हैं, इन्होंने अपने मुहर्रमों पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये प्रतिवर्ष सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहे हैं। वो जब छोटे छोटे थे, पिताजी के हाथ पकड़े जब जाते जाते राम, तब से लेकर अब तक हम हिंदू को लोग को देखते हुए आ रहे हैं कि एक मुस्लिम समाज इतना सक्रिय है हिंदू धर्म के लिए, कि उनका कुंभकर्ण का रावण का पुतला बनाना मतलब ये बहुत बड़ी मिसाल है हिंदुस्तान के लिए भी, हमारे शहर के लिए। काशीपुर में पुतले बनाने के अलावा महबूब का परिवार यूपी उत्तराखंड के कई दूसरे शहरों में पुतले बनाने के लिए जाते रहे हैं। महबूब की माने तो धर्म के नाम पर बैर नहीं होना चाहिए, धर्म अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह। किसी भी धर्म से पहले हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी है।